दोस्तों रियलमी 3 के न्यू अपडेट के बाद कुछ इसमें प्रॉब्लम आ चुके हैं, जिनके बारे में लोगों ने कमेंट करके हमारे वीडियो में पूछा था। तो उस सभी का प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम में स्क्रीन टच प्रॉब्लम या फिर गेम स्पेस प्रॉब्लम या फिर मोबाइल डाटा के कुछ भी प्रॉब्लम, सारे के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं मोबाइल डाटा प्रॉब्लम के बारे में, जो पूछा है सूर्या MSD ने। ये प्रॉब्लम ये है कि यदि आपका कोई एप्लीकेशन में इंटरनेट नहीं चल रहा, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है और इसमें इंटरनेट नहीं बता रहा आपका इंटरनेट ऑन होने के बावजूद, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले सेटिंग में आना है और नीचे आना है ऐप मैनेजमेंट में। इसमें क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट में आना है और जो आपका एप्लीकेशन में नेट नहीं चल रहा उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इलाइट मोशन में क्लिक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर डाटा यूजेस स्टेटस में हमको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये दोनों इनेबल हो सकता है, जैसे कि डिजेबल मोबाइल डाटा होने पर आपका मोबाइल का डाटा को ये यूज नहीं कर पाएगा, तो इसको आपको ऑफ करना है जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो नेट का इस्तेमाल कर पाए और वो एप्लीकेशन अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आशीष बड़ाइक का, जिन्होंने पूछा है सेट आइकन शो प्रॉब्लम। उनके लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक मैगजीन में आना है और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेट आइकन स्टाइल का। और मान लीजिए आपके फ़ोन में ये मिसिंग है, नहीं है, तो आपको सबसे पहले आना होगा यहाँ पे सर्च में। यहाँ पे आपको सर्च करना है सेट आइकन स्टाइल और ये इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन आ जाना चाहिए और जब आ जाएगा तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, जैसे आप ट्राई करके देखिए, आपका जरूर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सुमन की तरफ से, जिन्होंने पूछा है इन माई सेटिंग देयर इज नो गेम स्पेस ऑप्शन हेल्प। तो उनको लिए हम पहले बताना चाहते हैं कि मेरे फोन में भी सेम यही प्रॉब्लम था कि मेरे में गेम स्पेस का ऑप्शन नहीं था। तो मैंने क्या किया कि अपने फोन को रीस्टोर किया। रीस्टोर आपको बता देते कहाँ से होता है, एडिशनल सेटिंग में आना है और उसके बाद आपको बैकअप एंड रीस्टोर में आना है और यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट मारना है, जिससे कि आपका जो फोन है दोबारा ये अपडेट होने का प्रोसेस रिपीट होता है, जिससे कि आपका जो मिसिंग फीचर है वो आने का चांसेस रहता है। जिससे कि मेरा भी गेम स्पेस ऑप्शन आ चुका है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे गेम स्पेस का ऑप्शन आ चुका है और ये यहाँ पे पूरा फुल्ली अच्छी तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेसर रॉन की तरफ से, जिन्होंने पूछा है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट इज नॉट वर्किंग। दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत बार कि आपका फोन में फेस अनलॉक का जो फीचर रहता है या फिर फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट, ये बहुत अपडेट में क्या होता है कि आपका प्रॉपर से वर्क नहीं करता या फिर आपका जो सेटिंग रहता है वही गायब हो जाता है। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यदि हम यहाँ पे क्लिक करें सिक्योरिटी में, यहाँ पे पासवर्ड है इसमें, तो ये सारे ऑप्शन हट जाते हैं। और ये हटने के बाद यदि आपका गलती से या किसी अपडेट के दौरान हट जाता है तो ये दोबारा कभी आएगा नहीं। और ये बहुत ही बड़ा बग है क्योंकि मेरे एक फ़ोन में ऐसा हुआ था और उसमें जब एक बार सेटिंग हट गया तो वो दोबारा अपडेट होने के बाद भी वो वापस नहीं आया। तो यदि ये आपके साथ ऐसा होता है तो आपको डायरेक्टली रियलमी वालों को ये इशू के बारे में मैसेज करके या फिर मेल करके बता देना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको आपके फ़ोन के साथ हमेशा रहेगा और ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्विस सेंटर में जाके इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलाजीत शर्मा का, जिन्होंने पूछा है टच प्रॉब्लम एंड बग कॉल। दोस्तों पहले हम टच प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों टच प्रॉब्लम दो तरह का हो सकता है, कि आपका पूरा स्क्रीन ना काम करे या फिर कुछ एक एप्लीकेशन में आप क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। ऐसे में आपका जो एक अपडेट दिया गया था, जिस अपडेट में कहा गया था कि ये प्रॉब्लम फिक्स कर दिया गया है, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो रियलमी वाले इस प्रॉब्लम को लेकर क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, और क्या पता वो और क्या वो फ्यूचर अपडेट में से फिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है जुअल का, जिन्होंने कहा है गेम लैग। तो दोस्तों गेम लैग का एक तो यदि आपका भी फोन में गेम लैग हो रहा है तो आपको करना ये होगा कि आपको गेम स्पेस का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि गेम स्पेस जो फीचर दिया हुआ है इसका यदि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गेम तो लैग करेगा ही, क्योंकि ये इतना हाई एंड डिवाइस तो है नहीं। तो इसमें आपको गेम यदि स्मूथ में चलाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आता है, एक लो पावर मोड, बैलेंस मोड और कंपटीशन मोड, जिसमें कि आपको कंपटीशन मोड में रखना चाहिए। और यदि आपको एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लॉक कॉल्स एंड बैनर्स इसमें क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपका गेम मक्खन माफिक चलेगा।
दोस्तों अब मैं आपको मेरे प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने फेस किया है। पहला प्रॉब्लम मैंने ये फेस किया है कि इसका जो हॉटस्पॉट रहता है, यदि आप हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते होंगे रियलमी 3 में, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि इसका जो यदि आप किसी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यदि इसे कनेक्ट कर लेते हैं, अभी तो ये दूसरे वाईफाई में कनेक्टेड है, कर लेते हैं तो बहुत बार ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है हॉटस्पॉट। ये एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया है, और फ्यूचर में शायद इससे भी अपडेट में रियलमी वाले ठीक कर दें, कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा, लेकिन ठीक कर दे तो बढ़िया रहेगा। और नेक्स्ट और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि फ़ोन में जो इतना एनिमेशन दे दिया गया है जिसकी वजह से ये फ़ोन बहुत ही लैग करता है कभी कभी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे मैंने फेस किया है और इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को शेयर करना है, और बहुत सारे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।